नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। इटावा में अवैध रूप से शराब के तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए एसएसपी निर्देश द्वारा क्राइम ब्रांच और बकेवर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पंजाब से अवैध रूप से शराब बेचने वाली टीम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 450 देसी पेटी शराब, एक ड्रम, 200 लीटर एक एम्बेसडर कार भी बरामद हुई है, जिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था। सभी आरोपी इस कार पुलिस से बचने के लिए इस कार से शराब को विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता था। आरोपी अवैध शराब को ब्रांडेड कंपनियों की रेफर लगाकर मार्केट में अच्छे दामों में बेचते थे। पुलिस ने शराब तस्करी में शामिल 5 अभियुक्तों समेत एक महिला को गिरफ्तार किया है। शराब बन जाती है, 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 2 गाड़ियाँ पकड़ी गई है, एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है, एक एम्बेसडर गाड़ी पकड़ी गई है, जिसमें कि ये शराब को रख के और सप्लाई किया करते थे। एक स्कूटी भी पकड़ी गई है और इसमें अभी करीब 6-7 लोग और हैं, जो कि अन्य जनपदों के भी हैं। जनपद औरैया का भी एक अभियुक्त है, कानपुर का भी एक व्यापारी का नाम संज्ञान में है, जहां से ये लोग होलोग्राम लाते थे और भी शराब बनाने के उपकरण लेके आते थे। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर रिकवरी है और इन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया जेल में। एक महिला भी इसमें अभियुक्त है, मौके पर जो है ये गिरफ्तार हुई और